Assalamualaikum students, Dharia Model School, PND Maripur Secondary Wing. This is physics lecture number 16. Myself, Miss Mehak Fatma. Chapter number 6 हमने previous lecture में start किया था, equilibrium. आज हमारे जो topics हैं वो है torque, principle of torque, factor on which torque depends, couple, torque of a couple and center of a gravity. सबसे पहले है what is torque, ठीक है? Torque क्या है आपके पास? The object which can rotate about an axis. They start rotating under the action of a suitable force and this turning effect of force is called torque or movement of a force it may be rotate object clockwise or anti-clockwise and it is denoted by tau ये जो sign है इसको tau बोलते हैं ठीक है अब torque basically क्या है कि अगर हम किसी भी object पर अगर हम force apply करते हैं और हमारी force और किसी axis में force apply करते हैं किसी direction में particular direction में फोर्स अप्लाई करते हैं और हमारे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारे फोर्स के नतीजे में अगर बॉडी रोटेट कर रही है गोल घूम रही है अब वो जो गोल घूम रही है वो सीधी भी घूम सकती है और उल्टी भी घूम सकती है यानी कि वो क्लॉकवाइज भी घूम सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी वो रोटेट कर सकती है तो उसको हम कहेंगे कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ठीक है तो द ऑब्जेक्ट विच कैन रोटेट यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है किसकी वजह से रोटेट कर रहा है फोर्स की वजह से और फोर्स कौन उसको दे रहा है हम फोर्स दे रहे हैं ठीक है फोर्स अगर हमारे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और बॉडी क्या कर रही है रोटेट कर रही है टर्न कर रही है रोटेशन हो रही है तो ये आपके पास टॉर्क कहलाएगा ये आपके पास डेली लाइफ एग्जाम्पल है ये देखें यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई होती है और ये रोटेशन होगी ठीक है और आपका दरवाज़ा जो है वो खुलेगा ये टैप अगर आप टर्न ऑन करते हैं टर्न ऑफ करते हैं तो इसमें भी आपको इस पर रोटेट करना पड़ेगा इसको ठीक है अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा रोटेट करेगा तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें से स्क्रू को अगर आप खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो इसमें भी आपकी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज फोर्स लगेगी इसकी वजह से बॉडी जो है वो रोटेट करेगी अपने एक्सिस में रोटेट करेगी और वो जो रोटेट कर रही है वो क्लॉकवाइज भी कर सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकती है तो आपकी फोर्स की वजह से तो बेसिकली जो टॉर्क की डेफिनेशन वो क्या है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और टॉर्क का एक और मैथमेटिकली अगर हम अभी आगे देखते हैं आप देखें यहाँ पर देखें मैथमेटिकली क्या है टॉर्क इज अ वैक्टर प्रोडक्ट ये वैक्टर प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म क्या डिस्टेंस है मोमेंट आर्म डिस्टेंस है एफ फॉर फोर्स और ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होती है टॉर्क ठीक है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर तो न्यूटन मीटर हो गया अब आप देखें ये आपके पास अगर ऑब्जेक्ट ये सी डब्ल्यू का मतलब है क्लॉक वाइज यानी कि स्क्रू जो है वो क्लॉक वाइज मूव कर रहा है घूम रहा है ये ठीक है आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं आपकी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस क्लॉक वाइज के क्या है परपेंडिकुलर है आप कह लें कि जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है तभी ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो फोर्स और ये आपके स्क्रू यानी कि ये जो स्क्रू का जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन का एक्सिस है यहाँ से लेकर आपकी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं मूवमेंट आर्म ठीक है मूवमेंट आर्म तो मूवमेंट आर्म और फोर्स इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि इन दोनों को जब आपस में ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तभी ये बॉडी रोटेट करती है तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो टॉर्क है वो बराबर है किसके फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों के प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट के ठीक है अब मोमेंट आर्म अलग से देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म इट इज डिनोटेड बाय डी क्योंकि डिस्टेंस है और इसका ऐसा यूनिट मीटर है यही मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देखें ये फोर्स के परपेंडिकुलर है और कहाँ तक ऑब्जेक्ट जो रोटेशन जो कर रहा है रोटेट कर रहा है वहां तक ये पूरा क्या है आपके पास मोमेंट आर्म है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द फोर्स फोर्स और रोटेशन इन दोनों के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं मोमेंट आर्म बोलते हैं अब है प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क टॉर्क किन किन चीज़ों पर जो है इसको फॉलो करता है According to the principle of torque, if a system is in equilibrium under the influence of some torque, then the sum of clockwise torque is equal to the sum of anti-clockwise torque. ये जो हमने second condition of equilibrium
लेक्चर नंबर 15 में हमने स्टडी किया था, उसमें यही था कि जो टॉर्क है सम ऑफ टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा क्लॉकवाइज की टॉर्क, और उसी के नतीजे में जो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होगी, अगर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज जो है वो दोनों एक दूसरे को अगर हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क हमें यही बताता है कि अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सम करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, टॉर्क सम ऑफ द टॉर्क जीरो आएगा, ठीक है, अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को हम सम कर देंगे तो आपका टॉर्क का आंसर जीरो आएगा, क्योंकि जितना जितनी फोर्सेज क्लॉकवाइज लग रही हैं उतनी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में भी लगेंगी, तो वो सम ऑफ द फोर्सेज जो सम ऑफ द टॉर्क है जो फोर्सेज के नतीजे में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो जो उसका सम होगा वो आपके पास जीरो हो जाएगा। फैक्टर ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स, तो किन चीज़ों पर टॉर्क डिपेंड करता है, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, वो साइज वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो हम उसको दे रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मोमेंट आर्क पर जो है डिपेंड करता है, और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंट आर्क, क्योंकि जब आप उसको रोटेट करते हैं आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है रोटेशन और फोर्स के दरमियान जो डी होता है, तो क्या होता है कि जब जैसे आप फॉर एग्जांपल डोर को ओपन कर रहे हैं, जब आप डोर को ओपन करते हैं आप फोर्स लगा रहे होते हैं और वो मोमेंट आर्म कवर कर रहा होता है और जो ऑब्जेक्ट है जो आपका डोर है वो रोटेट कर रहा होता है, तो क्या होता है कि वो भी एंगल बना रहा होता है, अगर आप ज़्यादा उसको पुश करेंगे ज़ोर से आप फोर्स लगाएंगे तो आपका ज़्यादा एंगल से दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा, ठीक है, उतनी आवाज़ देगा, उतनी तेज़ी से बंद होगा, उतना ही आपकी सरफेस के साथ जो है वो एंगल ज़्यादा बनाएगा, अगर आप उसको बंद करें जब आहिस्ता आहिस्ता बंद करें तो एंगल कम होता जाएगा, तो किसके दरमियान एंगल कम हो रहा है, फोर्स और मोमेंट आर्म इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंट आर्म यानी कि इन दोनों के दरमियान का एंगल और मोमेंट आर्म और मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब है व्हाट इज कपल, अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेज हैविंग अ डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ कपल, व्हेन अ कपल एक्ट ऑन अ बॉडी इट्स रोटेट। अब कपल क्या है, अगर इसमें दो तरह के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो रहे होते हैं यानी कि अनलाइक पैरेलल, अगर ऊपर से फोर्स लग रही है यानी कि दो अगर टॉर्क मिल जाए, ठीक है, दो अगर टॉर्क आपस में मिल जाएँ, अगर दो फोर्सेज हैं अगर आपके पास, एक अपवर्ड फोर्स है और एक डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, आप ऊपर से भी फोर्स लगा रहे हैं नीचे दो तरह की फोर्स लग रही है, पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेज यानी कि फोर्सेज अगर दो लग रही हैं इसलिए हम उसको कपल कहते हैं, एक अपवर्ड लग रही है और एक डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, एक नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो जो फोर्सेज हैं आपके पास वो क्या हैं, इक्वल हैं लेकिन और पैरेलल भी हैं लेकिन वो अनलाइक है यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अगर दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर और वो बॉडी रोटेट कर रही है तो आपके पास कपल है, वो क्या है आपके पास, वो कपल है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक बुक थी ऊपर से भी फोर्स लग रही है नीचे से भी फोर्स लग रही है और बॉडी स्पिन कर रही है यानी कि वो क्या था आपके पास, कपल प्रोड्यूस हो रहा था, दो तरह के अनलाइक फोर्सेस थी जो एक्ट कर रही थी बॉडी पर और बॉडी क्या करे, रोटेट करे। टॉर्क में तो होता है ना सिंगल फोर्स होती है, टॉर्क जो होता है, अब देखें टॉर्क और कपल में क्या फर्क है, टॉर्क में क्या होता है कि एक भी आप मतलब एक ही उसमें पैरेलल फोर्सेस दो फोर्सेस की नीड नहीं होती, टॉर्क में एक फोर्स है उससे ही आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, टर्न कर रहे हैं बॉडी को, ऑब्जेक्ट कर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं सिंगल फोर्स से, लेकिन कपल का मतलब है कि पेयर यानी कि इसमें डबल फोर्सेज होती हैं, दो फोर्सेज होती हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, या अगर लेफ्ट टू राइट लग रही है और राइट टू लेफ्ट लग रही है तो दो फोर्सेज लगती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन वो अपोजिट होती हैं दूसरी यानी कि अनलाइक फोर्सेज होती हैं, ठीक है, और दो अनलाइक फोर्सेज किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करें और वो बॉडी रोटेट करें, ठीक है, टॉर्क में डबल पेयर की ज़रूरत नहीं होती फोर्स की, उसमें एक भी अगर एक तरफ भी अगर फोर्स लग रही है और बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको हम कहते हैं टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कपल में क्या होता है दो तरफ फोर्सेस लग रही होती हैं, एक दोनों पैरेलल होती हैं लेकिन अनलाइक फोर्सेस होती हैं और उनके नतीजे में अगर बॉडी रोटेट कर रही है गोल घूम रही है तो उसको हम कहते हैं कि कपल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है।
अ कपल कैन नॉट बी बैलेंस अ सिंगल फोर्स, क्योंकि ये सिंगल फोर्स से कभी भी बैलेंस नहीं होता। इसको बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेज होना बहुत ज़रूरी हैं, पेयर ऑफ द फोर्सेज, ठीक है, इक्वल हों लेकिन एक दूसरे के क्या हों, अपोजिट हो। जैसे इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दो फोर्सेज लग रही हैं आपके हाथ, एक ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, और बॉडी देखो ये रोटेट हो रही है, आप रोटेट कर रहे हो कपड़े को, निचोड़ रहे हो। इसी तरह से बॉटल को जब आप ओपन कर रहे होते हो, इसी तरह से आप स्टेयरिंग जब करते हो तो नीचे व्हील घूम रहे होते हैं, ये टैप को आप जब खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, तो आपकी फिंगर और आपके थंब की जो फोर्सेस लग रही होती हैं, ये भी दोनों फोर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है कपिल की। अब टॉर्क मूवमेंट ऑफ अ कपिल क्या होता है? टॉर्क और मूवमेंट ऑफ कपिल आपके पास क्या है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज। टू फोर्सेज आएगी यहाँ पे, टी डब्ल्यू पे आएगा, ठीक है, टू फोर्सेज, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज इज कॉल्ड द आर्म ऑफ कपिल। यानी कि आप देखें दो फोर्सेज लग रही है ना, दो कॉर्नर पे फोर्सेज लग रही हैं, एक एक कॉर्नर पे और एक दूसरे कॉर्नर पे फोर्स लग रही है। तो सेंटर में जैसे अब आपको ये मैं दिखाती हूँ, ये देखें जैसे एक ये फोर्स कह लें और आप एक ये बच्चा है, इसकी भी कोई ना कोई वेट है, फोर्स है, और इसकी भी फोर्स, और ये सेंटर जी आपका सेंटर पॉइंट है। तो एक फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, एक फोर्स ये और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो एक ये टॉर्क हो गया, ठीक है, एफ और डी, और एक ये फोर्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये जितनी यहाँ पे फोर्स, जितनी ये फोर्स है उतनी ये फोर्स है, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो इसको कहते हैं, क्योंकि देखें ये भी एफ डी है, ये भी एफ डी है, फोर्स और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, फोर्स और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो एफ डी किसके बराबर होता है? टॉर्क के बराबर होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है, टॉर्क मूवमेंट ऑफ अ कपल, इसी को कहते हैं, ठीक है, जो कपल के आर्म्स होते हैं। तो कपल क्या है, पेयर है दो फोर्सेस का, तो इसका एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, तो ये आपके पास जो दो आर्म्स हैं इसको कहते हैं टॉर्क मूवमेंट ऑफ अ कपल, ठीक है, या टॉर्क आर्म्स आप कह सकते हैं, टॉर्क मूवमेंट ऑफ अ कपल। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक टॉर्क का हिस्सा है, ये भी एक टॉर्क का हिस्सा है, ठीक है। द फोर्स एंड द डिस्टेंस आर द सेम ऑन बोथ साइड, द सीसा इज बैलेंस। ये इक्विलिब्रियम स्टेट भी हो गई, और यहाँ पे ये फोर्स है, ये फोर्स है, कपल में तो पेयर ऑफ द फोर्सेज होती है, और जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से लेकर वहाँ फोर्स तक का डिस्टेंस डी हो गया, मोमेंट आर्म, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक का फोर्स तक का डिस्टेंस, मोमेंट आर्म डी हो गया, तो ये भी एफ डी है, ये भी आपके पास एफ डी है, तो एफ डी इज इक्वल टू एफ डी। अब मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करते हैं, सपोज करते हैं टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेज है हमारे पास, ठीक है, एक पॉइंट ए पे, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है डाउनवर्ड, और ए अपवर्ड लग रही है, ठीक है, जिससे जिसकी वजह से बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये टॉर्क मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब क्या ये भी आपके पास पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द फोर्स एफ एट पॉइंट ए। अगर आप ए पर देखें तो एक आपके पास जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एफ है, यानी कि जब भी मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात हो, मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, ठीक है। तो एक आपके पास जो एक कपल की एग्जांपल है, ये मैथमेटिकली हम कपल को सॉल्व कर रहे हैं, तो कपल में आपको पता है दो फोर्सेज होती हैं, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ए ओ या ओ ए आप कह लें, और बी पॉइंट पे अगर देखा जाए फोर्स ये रही, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ओ बी है, ठीक है, ये दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही हैं, एक एफ ओ ए और एक एफ ओ बी, ठीक है। अब जब मोमेंट ऑफ कपल, और कपल आपको पता है कि दोनों को सम करने से होता है, पेयर होता है इन दोनों फोर्सेस का, तो ये यहाँ का जो यानी कि पेयर होता है दो टॉर्क का, तो यहाँ ये भी आपके पास टॉर्क आ जाएगा, और एक ये वाला टॉर्क जो दो तरफ का टॉर्क है, तो आपने ये टॉर्क की वैल्यू यहाँ वाली भी लिख दी, पॉइंट ए वाली एफ क्रॉस जीरो ए, और पॉइंट बी पर जो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ बी। अब ये आपने फोर्स एंड फोर्स दोनों सेम है, तो आप कॉमन निकाल लें, ओ ए और ओ बी अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा, दोनों सम हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अब ओ ए और ओ बी आप देखें, अगर ओ ओ से लेकर ए और ओ से लेके बी, बेसिकली ए से लेके बी तक हम ये पूरा डिस्टेंस लिख सकते हैं, तो ये ए बी होगा, ठीक है, तो ये आपके पास टॉर्क ही बन गया, द मूवमेंट ऑफ कपल आपके पास एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी हो गया। तो मूवमेंट ऑफ अ कपल यानी कि टॉर्क ऑफ अ कपल, ठीक है, तो ये आपके पास टॉर्क की ही डेरिवेशन आ गई, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और आपके पास ये फोर्स।
अब आपके पास टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, ठीक है। बॉडीज विच हैव परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड द रेगुलर बॉडीज एंड देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। कोई भी अगर वेल डिफाइंड शेप है तो उसका जो सेंटर होता है ना, वो इसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। इससे अब आपके पास ये कोई भी आपके वेल शेप्ड है, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, यूनिफॉर्म रोड है आपके पास, सर्कुलर, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी प्लेट्स हैं, तो आप इजीली उसका सेंटर मालूम कर सकते हो। इंटरसेक्शन करोगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, तो आपके पास इसका इजीली एक सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा वो उसका ग्रेविटी का सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ये तो आपके पास हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आपके पास रेगुलर या परफेक्ट अगर ज्योमेट्रिकल शेप है, तो अगर आप उसके कॉर्नर से इंटरसेक्शन करो, क्रॉस बनाओ, तो इजीली क्या होता है आपका सेंटर आपको पता चल जाता है। जो भी सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप, अगर कोई बॉडी इरेगुलर है, ठीक है, यानी कि वो रैंडमली परफेक्ट कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, तो आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो आप कैसे निकालोगे, उसका क्या मेथड है? तो बेसिकली क्या होता है उसका निकालने के लिए, उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजर करना है या आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए ये होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर बॉडीज लाइक अ मेटेलिक प्लेट्स हो गई, या कोई कार्डबोर्ड हो गया हैविंग अ इरेगुलर शेप, ठीक है, जिसकी शेप कोई परफेक्ट नहीं है, रैंडमली कोई शेप है, तो इट्स अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स एंड दीज लाइन्स आर ड्रॉ बाय द हेल्प ऑफ द प्लम्ब लाइन। आपको फिर प्लम्ब लाइन बनानी पड़ती है। द प्लम्ब लाइन वेयर द बॉडीज अलॉन्ग विद प्लम्ब लाइन्स आर सस्पेंडेड वर्टिकली बाय सम सपोर्ट, ठीक है। जैसे आपने ये प्लम्ब लाइन ड्रॉ की एंड देन सेकेंड आपने फिर ये ड्रॉ की, और इसका जो सेंटर होगा वो आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, ठीक है, यानी कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये आपके पास इंटरसेक्शन क्या, आप एक सेंटर से ले लें, वो बेशक जहाँ से मर्जी जो है हो रहा है, एक वहाँ सेंटर से आप ले लें और एक दूसरे जो है बॉर्डर से आप बिल्कुल बॉर्डर के सेंटर से एक लाइन को करें और दोनों लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करें, और जब आप दोनों लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो आपका पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता चल जाएगी। तो किसी भी बॉडी का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजीली फाइंड कर सकते हो। ये तो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इनकी तो इजीली सेंटर आपको पता चल जाता है, लेकिन जो रैंडमली होती है उसके लिए आपको फिर इंटरसेक्शन करना पड़ता है, और इंटरसेक्शन का जो सेंटर पॉइंट होता है इंटरसेक्शन करने से, यानी कि जब दो लाइंस आपस में टकराती हैं और एक पॉइंट पर दोनों मिलती हैं, तो उसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो जब भी कोई आप लाइन ड्रॉ करें और वो एक पॉइंट पर जहाँ मीट करें उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, और वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, चाहे वो जैसी ही शेप क्यों ना हो, ठीक है। आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। होम टास्क नंबर 16 देख लें, लर्न द टॉर्क, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एंड फैक्टर्स ऑफ टॉर्क, ये सब आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। लर्न कपल एंड टॉर्क ऑफ अ कपल, आप चाहें तो इनको फेयर कॉपी पर लिख भी सकते हैं। जो भी डेरिवेशन या फार्मूला वगैरह होता है वो आप काइंडली अपनी कॉपी पर नोट कर लिया करें, लिख लिया करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि फार्मूलाज वगैरह याद रहते हैं और डेरिवेशन भी आप भूलती नहीं है, याद रहती है। तो लर्न सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर बॉडीज, सब अच्छे से आपने करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।